इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। जरा यहाँ देखो, ये है मेरा मेटल डिटेक्टर। इससे जमीन के अंदर के मेटल को ढूंढ सकते हैं, जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। हाँ, पर अब तक मुझे कुछ मिला तो नहीं है। आपने वो सुना? हमें यहाँ जरूर कुछ मिला है। वाह, जरा देखो तो, ये एक की है। वाह, ये है एक बहुत ही बड़ी की। हाँ, क्या पता ये किसकी होगी। हे, इसे देखकर लगता है कि ये जरूर आई होगी किड्स ज्वेलरी हाइस्ट से, जो है साउथ पैसेडीना कैलिफोर्निया में। चलो हम वहीं चलकर देखते हैं। बहुत मजा आएगा। हम पहुंच गए, मुझे ये जगह पसंद है। चलो अंदर चलकर इस जगह को देखते हैं। आइए। वाह, ये जगह तो कमाल की है। हो, जरा इसे देखो, ये है एक डायमंड एंड लॉज। वाह, इस बड़े से डायमंड को तो देखो, ये लाइट रेस को नीचे फेंकता है और फिर हम चीजों को बहुत करीब से देख सकते हैं, जैसे कि ये स्टोन, वाओ, या फिर ये गोल्ड कॉइंस, या फिर इन नेकलेसेस को, या फिर ये ब्रेसलेट्स। ये जगह बहुत ही शानदार है। जरा यहाँ देखो, ये है बड़ी सी बुक पायरेट शिप की। वाओ, क्या आप पहले कभी पायरेट शिप पर गए हैं? मुझे पायरेट शिप बहुत पसंद है। वाओ, ओह देखो, एक आदमी। कैसे हो मेरे दोस्त? किड्स ज्वेलरी हाउस में तुम्हारा स्वागत है। तुम कौन हो? मैं हूँ केली द किड। वू, केली द किड, बड़ा ही कमाल नाम है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें खजाने की खोज पर जाना चाहिए। हो, एक ट्रेजर हंट। मुझे ट्रेजर हंट पसंद है। क्या आपको ट्रेजर हंट पसंद है? और ये है तुम्हारा पहला सीक्रेट क्लू। ओह, एक सीक्रेट क्लू। इसमें लिखा है ट्रेजर क्लूज फॉर ब्लिपी एंड क्रू। क्रू मतलब आप। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। ध्यान से सुनो, एक जरूरी बात बतानी है। ढूंढो मेरे पहले सीक्रेट क्लू को एक सुनहरे जहाज के नीचे। वाओ, एक मिनट रुको, मैं जानता हूँ वो कहाँ हो सकता है। जाने से पहले तुम्हें यहाँ का हिस्सा बनना होगा। यहाँ का हिस्सा? मेरे नए कपड़े। और गुड लक। ओके, थैंक यू। इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। पहले यहाँ का हिस्सा बनना होगा। हाँ, पहले पहनेंगे ये पायरेट हैट, क्योंकि पायरेट्स को खजाना बहुत पसंद है। और फिर हमें पहनना होगा ये पायरेट का कोट। कैसा लग रहा हूँ मैं? और यहाँ पर है हमारी पायरेट सूट। ठीक है, तो हम चले और अब हम करेंगे हमारी खोज। हेलो। वाह, ये जगह तो बहुत ही शानदार है, जैसे कोई जादू हो। ठीक है, यहाँ ऊपर आ जाओ। वाह, जरा यहाँ तो देखो। वाह, ये जगह कितनी कलरफुल है। क्लू में जो कलर लिखा था वो था गोल्ड। हाँ, एक गोल्डन शिप। क्या वो आपको दिख रही है कहीं? हाँ, देखो वो रही, वो बहुत खूब। आ जाओ। वाह, लगता है हमें मिला है एक और क्लू, ठीक इस गोल्डन पायरेट शिप के नीचे। बहुत खूब। हाँ, दिलचस्प बात है, देखते हैं अंदर क्या लिखा है। ठीक है, इस पे लिखा है मेरे पिंक फेदर वाले दोस्त वहाँ फिर चला गया और मेरे सारे सीक्रेट्स बता रहा है, पर क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? शायद मैं इसका मतलब समझ गया। पिंक फेदर वाला दोस्त, हाँ, इसका मतलब वो होगा एक बर्ड जिसका कलर है पिंक। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, हमें ढूंढना है पिंक बर्ड। क्या आपको कहीं दिख रही है? प्यारी बर्ड, कहाँ हो? हाँ, नहीं,
यहाँ पर तो कोई पिंक बर्ड नहीं है, देखते हैं शायद यहाँ पर होगी। मुझे क्लूज ढूंढना बहुत पसंद है। यहाँ पर देखते हैं। हाँ, वो यहाँ पर है। देख रहे हो ये पिंक बर्ड? बर्ड, हेलो, कैसी हो? ठीक हो ना? मैं हूँ ब्लिपी। मेरे साथ बर्ड होने का नाटक करोगे? कू 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 कू। ठीक है, वो क्लू यही कहीं होगा। वो रहा, ठीक वहाँ ऊपर। ओ वाह, एक गोल्ड चेन। और एक और क्लू, बहुत खूब। ठीक है, चलो अब हम इसे पढ़ते हैं। पानी के अंदर जाने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं तैरने में मदद करता हूँ और बचाता हूँ जब वो सांस लेते हैं। ठीक है, हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जो पानी के अंदर हमें सांस लेने में मदद करती है। क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। ठीक है, अब लेते हैं हमारा लूट और खोज जारी रखते हैं। ओह, जरा इसे देखो। वाओ, ये टेबल तो बहुत शानदार है। और यह है एक मिरर, जरा इसे देखो। हे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या मैं दिख रहा हूँ? मजा आ रहा है नहीं? ठीक है, ये टेबल न्यूज़पेपर से बनी हुई है। ओह, और यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा है। ये सांस लेने के लिए मदद नहीं कर सकता, पर है बड़ा सुंदर। क्या पता इसका क्या इस्तेमाल होगा। और कुछ सुंदर लाइट्स। और एक बेल। सुनो, आप सुन रहे हो? ठीक है, हम यहाँ क्लूज ढूंढ रहे हैं, बेल्स नहीं। जरा इसे देखो। हेलो, हे, यह है एक फ्रॉग। क्या आप फ्रॉग को देख रहे हो? यह कितना क्यूट है। मेरे साथ फ्रॉग की नकल करोगे? रैबिट, 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 रैबिट। बहुत क्यूट होते हैं फ्रॉग। असल में पानी के अंदर बहुत समय तक रह सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो पानी के अंदर सांस लेने में मदद करते हैं। ओह, जरा इसे देखो। ये है एक ग्रैंडफादर क्लॉक। ये बहुत बड़ी है। ओह हे, एक और बर्ड। ओह हेलो क्रो। या फिर ये एक रेवन है, मैं नहीं जानता, पर ये एक बहुत ही प्यारा बर्ड है। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, और मुझे नहीं लगता क्लॉक मदद करेगी। वो टाइम बताने में मदद करती है, पानी के अंदर सांस लेने में नहीं। यहाँ बहुत से कलर्स हैं। ये है बीड्स। ये देखो तो। वाह, देखो कितने बड़े बीड्स हैं। चार बड़े बीड्स उठाएं। हम ऐसा कर ही सकते हैं, है ना? हाँ, क्लूज ढूंढते ढूंढते हम बीड्स ले सकते हैं। जरा इसे देखो। वन ब्लू बीड। देखते हैं। एक और ब्लू बीड। और अब यहाँ है टू ब्लू बीड्स। ठीक है, देखते हैं। वाह, यहाँ कितने सारे बीड्स हैं, और कलरफुल भी। जैसे कि ये है रेड बीड। इसे रख देते हैं। पहले टू थे और अब हमने एक और जोड़ दिया तो हुए थ्री बीड्स। अब हमें चौथा बीड चाहिए। इसे ले तो कैसा रहेगा? हमारा फोर्थ बीड। ये है एक रेड बीड। अब हमारे पास है फोर बिग बीड्स। हाँ, चार बड़े बीड्स। ठीक है, तो चलो ढूंढना जारी रखें। वाओ, और बीड्स। वाओ, पर ये छोटे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 10 छोटे बीड्स उठाइए। ठीक है, ये बहुत आसान है। चलो उठाएं 10 छोटे बीड्स। तैयार? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, और ये आखिरी वाला 10, 10 small beads. वाओ, ये कितने कलरफुल हैं. वाओ, मुझे ये बीड्स बहुत पसंद हैं. आज तो मजा आ गया. आप देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ. देखो तो, ये है एक स्कूबा हेलमेट. हाँ, स्कूबा डाइवर्स पहनते हैं स्कूबा हेलमेट्स जब उन्हें पानी के अंदर सांस लेनी होती है. हाँ, यही तो वो क्लू है. ओ देखो, एक और क्लू. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ठीक है, चलो इसे साथ में पढ़ते हैं. 8 बहुत बड़े पैर होते हैं ऑक्टोपस के पास. अगर आप गोल्डन ऑक्टोपस ढूंढ लेते हैं तो ट्रेजर होगा आपके पास. ओके, मुझे इसका मतलब पता है. हमें ढूंढना होगा एक गोल्डन ऑक्टोपस. ये तो बहुत आसान है. हमें बस अपनी खोज जारी रखनी है और ढूंढना है गोल्डन ऑक्टोपस. मुझे ये जगह बहुत पसंद है. ये कितनी कमाल की है. ये देखो, और बीड्स और ट्रेजर. वाओ, जरा इसे देखो. वाओ, इसके अंदर एक क्रैब है. वो देखो तो, ये कितना छोटा क्रैब है. और ये देखो, इसके अंदर है बीटल. देखिए, वाओ, ये एक बहुत ही सुंदर बीटल है. कमाल की बात है ना. ठीक है, खोज जारी रखते हैं. हमें ढूंढना है गोल्डन ऑक्टोपस. वाओ, हाँ, देखते हैं. क्या आपको वो दिख रहा है? हाँ, यही तो है. ये है गोल्डन ऑक्टोपस का टेंटिकल. वाओ, देखो तो. आखिर हमने उसे ढूंढ लिया. पर अगला क्लू कहाँ पर है? जरा देखिए इसे. यह है ट्रेजर चेस्ट. या, हमने कर दिखाया, हमने छुपा हुआ ट्रेजर ढूंढ लिया. ताला लगा है. अब इसे हम खोलेंगे कैसे? एक मिनट रुको. आपको याद है जब हम पार्क में थे और हमने मेटल डिटेक्टर से ढूंढी थी एक की? हाँ, वो ठीक यहीं पर है. हम इस की मदद से ट्रेजर चेस्ट को खोलेंगे. चलो चले. देखो, ये रहा वो ट्रेजर. हमने ढूंढ लिया. बहुत बहुत बधाई हो प्लीपी. और अब तुम्हें बता दूं, हम उस लूट से एक मैजिकल नेकलेस बनाएंगे. मूव, एक मैजिकल नेकलेस. मेरे पीछे आओ. ये तो काफी मजेदार लग रहा है. चलो चले. बैठ जाओ प्लीपी. आपको ये टेबल याद है? वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पहले क्या करना है? तुम्हें अपने खजाने को इस बोर्ड के बीचों बीच रखना है. ठीक है. हाँ, याद है थोड़ी देर पहले हमने ये चीजें इकट्ठा की थी? ठीक है, तो अब इस मैजिकल ट्रेजर को इस बोर्ड पर रखते हैं. वाओ, ये शॉक अतीत है. और ये गोल्ड है. ठीक है, ठीक है ना? बढ़िया. अब आगे तुम्हें अपने रंगीन मोतियों को इस बोर्ड पर दोनों तरफ से रखना है. अच्छा, ठीक है. चलो लेते हैं ये दो बड़े रेड बीड्स, फिर ये दो बड़े ब्लू बीड्स, अब दो छोटे ब्लू बीड्स, अब दो ग्रीन और ब्लू बीड्स,
और दो टर्क्वाइज ग्रीनिश ब्लू बीड्स, ये दो येलो बीड्स, और अब हमारे आखिरी वाले ये दो पिंक बीड्स। लो रख दिया। बहुत ही सुंदर। और अब तुम्हें यहाँ पर रखनी होगी वो सॉलिड गोल्ड चेन। हाँ, याद है हमें वो गोल्ड चेन मिली थी, ये सॉलिड गोल्ड है। देखो तो, ये बहुत ही भारी है। चलिए अब इसे रख देते हैं। ठीक है, इस चेन को हमने रख दिया बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये देखो कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो तुम तैयार हो? ओ हाँ हूँ। अभी तुम्हारा नेकलेस बनाते हैं, देखते रहो। देखो तो, वाह, ये एक नेकलेस है, एक मैजिकल नेकलेस। क्या बात है लिपी, मैं चाहता हूँ तुम इसे पहन कर देखो। पहन कर देखूं? इसमें मैजिकल पावर्स है, किसे पता कि ये क्या कमाल करेगा। ठीक है, पहन लेता हूँ। ओह, पहले ये हैट निकालनी होगी। ठीक है, चलो पहनते हैं। मैं कहाँ चला गया? लिपी, लिपी, क्या इसने मुझे इनविजिबल बना दिया है? तुम सही कह रहे हो। क्या कमाल की बात है, ये सच में मैजिकल है। मैं कहाँ चला गया? एक काम करो, उसे उतारो तब तुम दिखोगे। ठीक है, अभी निकालता हूँ। तो यहाँ हो तुम। कमाल की बात है, बहुत ही मजा आया बना कर ये मैजिकल नेकलेस यहाँ इस किड्स ज्वेलरी हाइस्ट में, जो है साउथ पासाडेना कैलिफोर्निया में। हमें बहुत खुशी हुई, आशा है तुम्हें मजा आया होगा। बहुत खूब लिपि। हाँ, और बहुत खूब आपको भी, हमने बहुत खूब काम किया। तो ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय। ये मैं हूँ लिपि, मैं बस सैर पर निकला था, पर क्या आपने देखा कि जमीन पूरी तरह गीली है? हाँ, जरूर यहाँ पर बारिश हुई होगी, और शायद हम सीख पाएंगे कि क्या होती है बारिश, मौसम, रेनबोज और चलना। मौसम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, hey, अगर धूप निकली हो तो आप पहनोगे एक टैंक टॉप, और अगर ठंड है तो आप पहनोगे स्टॉकिंग कैप, और अगर बारिश होने वाली है तो आपको पहन लेना चाहिए रेनकोट। देखो तो, मैंने पहन लिया है मेरा रेनकोट, वो ये वाटरप्रूफ है, और अब अगर बहुत भारी बारिश भी होती है तो भी मुझे गीला नहीं कर पाएगी। और मैंने ये मैचिंग पैंट्स भी पहनी है। मेरे कपड़े कौन से रंग के हैं? हाँ, ये रंग है पीला, बिल्कुल सन जैसा, पर सन है कहाँ? मुझे क्या पता। पर हे, जरा देखो मेरे ये जूते। हाँ, मैंने पहने हैं रबर के काले जूते। और अब सिर्फ एक ही चीज बची है। हाँ, चलो चलकर ढूंढते हैं एक अम्ब्रेला। ओके, अब मैं मेरा हुड पहन लेता हूँ। वाओ, देखो जरा बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, देखो तो, यह एक नारंगी अम्ब्रेला। चलो अब इसे खोलते हैं। वाओ, अब मुझे जरा भी बारिश नहीं लग रही है। वाओ, ठीक है, चलो अब इसे रख देते हैं। यहाँ एक और अम्ब्रेला है। हाँ, जो पहला अम्ब्रेला था वो था बहुत छोटा, और ये अम्ब्रेला वो है बहुत बड़ा। वाह, देखो तो, वाह, ये अम्ब्रेला कौन से रंग का है? हाँ, नीला और सफेद। ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ इससे पहले कि मैं हवा में उड़ जाऊं। ठीक है, और अब इस अम्ब्रेला को देखो। वाह, देखो तो, हाँ, और एक बड़ा सा अम्ब्रेला। बताओ ये वाला अम्ब्रेला किस रंग का है? हवा बहुत ही तेज चल रही है। यह सफेद और हरा। चलो चलें।
मुझे बारिश बहुत पसंद है। रेनकोट की खासियत ये है कि आप कूद सकते हैं किसी भी पडल में और बारिश की वजह से बहने वाले पानी में भी, और हम गीले भी नहीं होंगे। अब देख रहे हो, वो देखो क्या है। वाह, ये देख रहे हो? हाँ, ये है मेरा रेन कलेक्टर। मैंने इसे पहले ही रख दिया था बारिश शुरू होने से पहले, और फिर बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो गया। देखो कहाँ तक भरा है। वाओ, हाँ ये लगभग 2 इंच है। हाँ, मतलब बारिश 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हुई है। वाओ, ये बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है, इसे नीचे डाल देते हैं। हाँ, वापस हमारे प्लैनेट अर्थ पर। जब बारिश हमारे प्लैनेट पर बरसती है वो इसके लिए अच्छा होता है। ये सभी पेड़ पौधों को पानी देकर गीला करती है और हमारे समुद्र को अच्छे से भर देती है। ये देखो, हाँ ये है मेरी रेनबो की दूरबीन। हाँ, बहुत बढ़िया है ना? हाँ, इसके रंग है रेनबो जैसे। क्या आपने कभी एक रेनबो देखा है? हाँ, उन्हें बारिश के बाद आना बहुत पसंद है। हाँ, रेनबो रंगों से भरा होता है जो बनता है लाइट और पानी से। चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। वो, 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 एक रेनबो, ओ, एक डबल रेनबो, ओ, आ, ओ, क्या बात है? ओ, अरे देखिए ट्रिपल रेनबो। मौसम तो बहुत कमाल का है। हे, कभी आपने सोचा है कि ये बारिश कहाँ से आती है? खैर, मैं आपको बताता हूँ। चलो हम शुरू करते हैं पानी के तालाब से, या नदी से, या समुन्दर से। हाँ, पानी होता है लिक्विड इन सभी जगहों पर, और फिर बाद में पानी का होता है इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन मतलब जब पानी बदल जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में और हवा में चला जाता है। हाँ, तब वो बदल जाता है गैस में, और ऊपर जाकर वो बाद में बदल जाता है क्लाउड्स में। क्लाउड्स कमाल होते हैं। जरा उस क्लाउड को देखो, वो क्लाउड लग रहा है पिगी जैसा। ओ, जरा उस क्लाउड को देखो, वो क्लाउड लगता है टी-रेक्स जैसा। वाह, और फिर ये सारा गैस का पानी एक दूसरे के पास आने लगता है, एक दूसरे के एकदम पास। हाँ, और फिर वो क्लाउड एक बार फिर पानी का रूप लेना शुरू कर देता है। हाँ, और फिर बारिश होने लगती है। हाँ, बारिश हो रही है। और फिर बनते हैं पडल्स, और बनती है नदियाँ और तालाब, और पानी बहकर फिर से समुन्दर में चला जाता है, और फिर ये साइकिल ऐसे ही बार बार लगातार घूमते रहती है। वाव, ये वाटर साइकिल बहुत ही कमाल है। आज की मौसम की सूचना। सुनहरी धूप सुबह में, दोपहर में तूफान आने वाला है, अपनी छतरी मत भूलिए। सुबह प्यारी है, खूब खिली है धूप,
बादल सफेद और नीला आकाश, पर ये बादल घिराए बारिश हो जाए, क्यों लगता है तूफान आने वाला है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, सनी ब्रीजी क्लाउडी वार्म प्लेजेंट डेज। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, विंडी रेनी स्टॉर्मी हॉट मगी डेज। देखो चमकी बिजली और बादल गरजे, अब तो आने ही वाला है तूफान घिर के। पवन डल तूफान और बाढ़, कभी कभी मौसम हो सकता है खतरनाक। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, सनी ब्रीजी क्लाउडी वार्म प्लेजेंट डेज। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, विंडी रेनी स्टॉर्मी हॉट मगी डेज। जब हो कड़कड़ाती ठंड, आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरेंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा और सब कुछ सफेद हो जाएगा। हे, बारिश तो रुक गई है और सूरज फिर निकल आया है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, स्नोई आइसी ब्लिजर्ड कोल्ड फ्रिजी डेज। मौसम मौसम हर तरह का मौसम। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम कुछ शानदार समुद्री जीवों से मिलने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, चलो चलते हैं। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, ब्लिपी। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मैं कहाँ हूँ। हाँ, आज मैं हूँ मरीना पर। हाँ, मरीना, पानी से भरा एरिया जहाँ होते हैं बहुत से बोट्स। हाँ, कमाल है ना। हे, जरा उधर देखो। वाव, हम आज आए हैं मरीन लाइफ सेंटर में, जो है बेलिंगहैम वॉशिंगटन में, और आप और मैं कुछ कमाल के जीवों और फिशेस के बारे में सीखेंगे। हाँ, मुझे फिश पसंद है। चलो। वाओ, ओह, हे, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ केसी, तुम कौन हो? मिलकर खुशी हुई केसी, मैं हूँ ब्लिपी, तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ छत पर मेरे कुछ समुद्री दोस्तों की तस्वीर बना रही हूँ। वाओ, तुम जो बना रही हो वो शार्क्स है ना? सही कहा, वो है डॉग शार्क्स। ओह, क्या बात है, ये एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। पर हे, अगर मैं यहाँ थोड़ी सैर करूँ तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। वाओ, जरा इस जगह को देखो। वाह, मरीन लाइफ के बारे में सीखकर बहुत मजा आने वाला है। चलो। वो, जरा यहाँ देखो। हाँ, इसे देख रहे हो आप? ये है एक स्केट। हाँ, इसे आसानी से नहीं देख पाते क्योंकि ये अपने पास वाली किसी भी पत्थर जैसा रंग बदल लेती है, देख रहे हैं? हाँ, हम दोनों का रंग भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप ये जीव को देख रहे हैं, हम दोनों का रंग है नारंगी। स्केट पत्थर जैसा रंग ले लेती है और इसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज। हाँ, ऐसे इसे शिकारियों से छुपने में मदद मिलती है। वाओ, जरा इन्हें देखो। अंदर कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। हेलो, हे, वाओ, ये इधर उधर तैर रही हैं और लगता है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। ओह, यहाँ अंदर और क्या है? ओह, यहाँ है कुछ सीवीड और कुछ पत्थर। हाँ, केसी कहती है यहाँ अंदर एक ईल भी है। ओहो, और वो इसे अभी खाना खिलाएगी। हे ब्लिपी, तुम्हें वुल्फ ईल नजर आई? वो अभी अपने गुफा में छुपी हुई है। कभी कभी जब उसे भूख लगती है वो हेलो कहने बाहर आती है। चेहरे से ये गुस्सैल लगती है, पर ये मेरी अच्छी दोस्त है। इसे खाना खाने में बहुत मजा आता है और इसे सबसे ज्यादा पसंद है श्रेम। देखते हैं खाती है या नहीं।
ओहो, यहाँ कितने कमाल के एनिमल्स हैं। मुझे ये सभी जीव बहुत पसंद है। ओहो, ये देखिए। वाओ, इस बर्तन के अंदर है कुछ केल्प क्रैप। ओहो, आप देख रहे हो? वाओ, ये देखिए। मैं जरा ये केल्प हटा देता हूँ। वाओ, देखो वो रहा। ओहो, इस केल्प क्रैप की खास बात है, हाँ वो है इसका कैमोफ्लाज। हाँ, ये चीजों को खाकर कैमोफ्लाज बनाता है। अगर ये हल्के भूरे रंग की कोई चीज खाता है तो ये खुद भी हल्के भूरे रंग में बदलने लगता है, या अगर ये गहरे भूरे रंग की कोई चीज खाता है जैसे कि ये केल्प का टुकड़ा, तो फिर ये बदल जाएगा इस केल्प के गहरे भूरे रंग में। ओह, क्या बात है। ओ, देखो एक श्रिम्प। हेलो श्रिम्प, तुम बहुत ही प्यारे हो। मैं तुम्हें प्यार करूं? हाँ, अच्छा लग रहा है। ओह, क्या बात है, ये बहुत प्यारा है। हे, श्रिम्प से याद आया, जरा इसे देखो। वाह, ये एक श्रिम्प की तरह ही दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, श्रिम्प के शेल जैसा। वाह, हाँ श्रिम्प और क्रैब ये बदलते हैं अपने मोल्ट। हाँ, इस तरह से इनकी बाहर की सतह, इनकी शेल, हाँ इनसे अलग होती है। और ये ओ, 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 ये है बस एक श्रिम्प की शेल, क्योंकि ये श्रिम्प से अलग हुआ है। वो जरा इन जीवों को देखो। वाओ, ये दोनों है एक हर्मिट क्रैब्स। वाओ, हाँ ऐसे क्रैब्स जो शेल के अंदर होते हैं। वाओ, देखो जब मैं इन्हें उठाता हूँ तब क्या होता है, ये शेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। वो आपने वो देखा? वाओ, हाँ पहले ये शेल के बाहर की ओर था, लेकिन अभी ये अंदर की ओर चला गया खुद को बचाने के लिए। ठीक है, मैं इसे आराम से यहाँ वापस रख देता हूँ। वो इस टंकी को देखो, लगता है इसके अंदर है कुछ क्रैब्स, कुछ फिश। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये सीवीड, और आप नीचे उन फिशेस को देख रहे हो। हेलो फिश, हे, तुम्हें भूख लगी है? हे, अब ये देखो, मेरे पास इन फिशेस के लिए एक लजीज खाना है। और हाँ, असल में ये खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ ठीक, जैसे कि आप और मैं हर रोज हरी हरी सब्जियाँ खाते हैं, हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये लो प्यारी फिश। ऑलराइट, बहुत खूब। शेल्स को देखो, ये बहुत ही सुंदर है। और ये वाली कितनी बड़ी है, जरा देखो। वाओ, ये लगभग मेरे हाथ जितनी बड़ी है। वाओ, ओके, वो, और ये वाली बड़ी ही चमकीली है। वाओ, और ये वाली बहुत ही है नुकीली। वाओ, वो, एक और नुकीली शेल, पर इस पर छोटे छोटे नोक बने हैं। ओह, ये सभी लाजवाब हैं। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? देखो, एक एनिमल का खिलौना, और ये खिलौना है एक स्टिंगरे। वही वही। हे, मेरे पास एक आइडिया है, चलो यहाँ सैर करते हैं और देखते हैं हमें कोई और खिलौना मिलता है या नहीं। हाँ? ओह, देखो तो, एक बड़ा सा सी टर्टल। वाह, सी टर्टल बड़े कमाल के होते हैं। ये पानी के अंदर बड़े ही शान से तैरते हैं, आराम से, शांति से, शान से। ये बहुत ही प्यारा है। ओके, फिर मिलते हैं। वो, देखो तो, यहाँ है दो सैल्मन। वो, लगता है ये वाली तैर रही है और दूसरी वाली नहीं। वो, देखो कैसे तैर रही है। वाओ सैल्मन, एक बढ़िया फिश है ये। ये बहुत बड़ी होती है। ये दोनों बहुत ही छोटी सैल्मन है। ओके, अब मैं इन्हें यहाँ रखता हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। वाओ, एक बड़ा सा सी लायन। वैसे ये खिलौना सच में बहुत छोटा है, क्योंकि सी लायन बहुत ही बड़े होते हैं। वो ऐसी आवाज करते हैं, ऊ ऊ ऊ। बड़ी मजेदार आवाज है। ओह, कितना प्यारा है। ओके, तुम्हें यहाँ वापस रख देते हैं। वो, हमने एक और ढूंढ लिया। वाओ, एक बड़ा सा क्लैम।
देखो बाहर से ये सख्त होता है। हाँ वाओ देखो ये तो खुल गया। आप देख रहे हो अंदर क्या है? हाँ हमें मिला है एक पुल। ओह ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह और चमकीला भी। मैंने कहीं सुना था कि पर्ल्स ये इरिटेशन की वजह से बनते हैं और शायद वो सच है। ओह जरा यहाँ देखो। वाओ ये है एक और शेल। हाँ ये है एक हर्मिट क्रैब। जरा देखो वैसा ही लग रहा है ना। और ये शेल के अंदर वापस चला जाता है सुरक्षा के लिए। देखा? हाँ ये जमीन पर ऐसे रहता है और फिर ये बाहर आता है। देखा? और ऐसे चलकर बाद में अंदर जाता है। ओके तुम्हें यहाँ रख देते हैं, फिर मिलते हैं। वो एक और जीव। हाँ ये है एक फिश। और देख रहे हो ये कितनी चपटी है। हाँ ये से नीचे बैठती है और इसकी दोनों आंखें शरीर के ऊपर की ओर होती है। हाँ और ये बस समुद्र की सतह पर बैठी रहती है। और ये है एक हैलिबट। और हैलिबट असल में बहुत बड़ी है। हाँ ये उसके सामने बहुत छोटी है। ये बहुत ही प्यारा है। आप जानते हो ये कौन सा एनिमल है? हाँ ये एक हिंट है। हाँ ये है एक सी हॉर्स। हाँ ये एक हॉर्स जैसा ही दिखता है। ओह कितनी प्यारी घुमावदार पूंछ है। और देखो यहाँ क्या है, इसके छोटी सी जेब में इसके तीन छोटे छोटे बच्चे। हे वाओ तुम बहुत रंगीन हो। ओके चलो देखते हैं। वो यहाँ और भी है। हाँ जरा इसे देखो, एक किलर व्हेल। हाँ एक और का। ओह वाओ ये बहुत ही प्यारी है। वाओ एक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत होशियार होते हैं। हाँ और इनकी होती है 8 लंबी टांगे। वो इन पर सकस भी होते हैं जिससे पकड़ बनाते हैं। ओके इसे रख देते हैं। ओह लगता है यहाँ पर कुछ व्हेल्स रखी हुई है। वाओ व्हेल्स असल में होती है बहुत बड़ी, मेरा मतलब बहुत बड़ी, और ऊपर आके सांस लेती है ये ऐसे, और फिर सांस लेती है, फिर पानी के अंदर जाती है और अंदर ही रहती है लंबे समय तक। आओ ये देखो एक बलूगा व्हेल। वाओ ये कितनी सफेद और प्यारी है। ये लगती है जैसे ये हो बर्फ। बलूगा व्हेल्स को असल में बहुत ही ठंडे और बर्फीले पानी में रहना पसंद है। वाओ देखो तो ये क्या है? ये है एक क्रैब का पिंजरा और आज तो पिंजरे में बहुत सारे क्रैब्स फंसे हैं। सही कहा, देखो तो कितने सारे हैं। ये किस तरह के क्रैब्स हैं? इन्हें कहते हैं ग्रेसफुल या स्लेंडर क्रैब्स। ये डेंजरस क्रैब से बहुत मेल खाते हैं। तुमने डेंजरस क्रैब्स देखे हैं? वो इनसे थोड़े बड़े होते हैं ना? हाँ सही कहा। और ये इतने ही बड़े होते हैं। वो क्या एक को बाहर निकाल कर पास से देख सकते हैं? इससे अच्छा दो को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है। ओके मजा आने वाला है। वो देखो तो हमने दो क्रैब्स को बाहर निकाल लिया है। ऑलराइट ओके कैसे पता चलेगा कि कौन नर है और कौन मादा है? बहुत अच्छा सवाल है, सब अक्सर पूछते हैं। मैं पहले मादा से शुरू करती हूँ। इसे आराम से उठाते हैं और इसके पेट को देखते हैं। आराम से इसे पीठ के बल घुमाओ, ऐसे वो शांत हो जाती है। मादा के पीठ पर ऐसा एक चौड़ा ट्रायंगल बना होता है जो नर पर नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेट में अपने अंडों को रखती है जिससे ज्यादा जगह लगती है। नर को इतनी जगह नहीं चाहिए। ओके मतलब कि ये एक मादा है और ये एक नर है। बिल्कुल सही कहा। वो देखो तो वाह ये बड़े ही कमाल है। और अब मैं क्रैब की नकल करूंगा। वाह एक साथ मिलकर मरीन लाइफ के बारे में सीखकर बहुत मजा आया ना। बहुत ही कमाल था, वो प्यारी फिशेस और इतने प्यारे प्यारे जीव। वाह कितना अजीब है, वो सब कैसे पानी के अंदर रहते हैं और आप और मैं जमीन पर रहते हैं। हाँ
ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं पानी को साफ सुथरा रखने में मदद करें। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI। लिपि, बहुत अच्छे। ठीक है, तो मैं सीखना जारी रखता हूँ। आओ मेरे साथ मिलके कर फन, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। लिपि।